आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और मेरे साथ आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अंडर ICALS EduScale प्राइवेट लिमिटेड, GR स्कूल, ग्लोबल वॉलपेपर, 99 एसेट्स, बाय सेल रेंट रेसिडेंशियल कमर्शियल एंड प्लॉट्स, विंग्स इंफोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन, उनका फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड, नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के साथ। हर गुजरते दिन के साथ मौत की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जी हाँ, आज फिर ऐसी ही एक घटना ने लोगों को हैरतजदा कर दिया है और जाहिर है कि मौत के बढ़ते आंकड़ों ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। यहां आपको बता दें कि कोल्टी के नियामतपुर बिस्नु बिहार के रहने वाले 23 साला बिट्टू साहू की लहूलहान बॉडी जंगल से बरामद की गई है और हालात के मद्देनजर हत्या की बात सामने आ रही है। बिलाश पगान जंगल जहां से बिट्टू साहू मिले वो उनके घर से ठीक 200 मीटर पर है। सोमवार दोपहर वो घर से निकले थे पर शाम तक नहीं लौटे तो घर वालों ने जंगल में तलाश शुरू कर दी। इस दौरान बिट्टू पीठ के बल लेटे थे और इनके सर और मुंह से खून बह रहा था। मरने वाले के भाई विक्रम साहू का कहना है कि बिट्टू के नाजुक हालात को देखकर इन्हें अस्पताल ले गए पर वहां से डॉक्टरों ने इन्हें जिला अस्पताल रवाना किया और यहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने बिट्टू को डेड बता दिया। मामले में फिलहाल कुछ साफ नहीं है। ऐसी हरकत किसने की यह भी परिवार को भी समझ नहीं आ रहा है। सर भाई छोटे बिट्टू नाम है इसका, वो दो ढाई से तीन बजे समथिंग में सर वो घर से नहीं था, मतलब कहीं हम बोला बाथरूम वगैरह कुछ किया है तो फिर हम लोग देखे 10-15 मिनट कुछ नहीं, जब खाना खाने टाइम हुआ ना हम लोग रात में खाना खाते तो खाना खाते देखे बिट्टू नहीं है, उसको बोले हम लोग फ़ोन किए हैं, एक जन फोन नहीं किया, फिर दोबारा क्यों नहीं किया है, फिर हम लोग सब भाई कॉल करने लगे तो वो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, आधा घंटा हो गया हम लोग पता नहीं क्या हुआ, हम लोग डर गए, हम लोग फ़ोन नहीं उठा, क्या बात आधा घंटा फ़ोन नहीं उठा रहा, उनका फ्रेंड लोग को कॉल किया, फ्रेंड लोग भी कॉल उठाए, बोल रहा नहीं मेरे पास नहीं, हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर हम लोग मार्केट तक खोजना चले गए बाइक लिए, देखते चले गए, फिर हमको डर मन में डर लगा क्या हुआ, फिर हम मार्केट में देखने चले गए, मार्केट में देख के आए फिर भी कहीं नहीं मिला, फिर पीछे घर में कि कॉल उठाया बोला नहीं आया, फिर भी फ्री फोन रिसीव नहीं कर रहा, फ़ोन कंटिन्यू जा रहा, फिर हम लोग खोजने लगे इधर उधर, फिर हम लोग खोजे जंगल के पीछे जंगल पड़ता है 200-250 मीटर दूरी पर जंगल जैसा पड़ता है, पुलिस को प्लाज मान बोलते हैं, उधर खोजने चले गए, उधर जब खोजने चलते जब थोड़ा जब अंदर गए ना तब देखे अंदर में मेरा भाई गिरा हुआ था, सिर में चोट था, मुँह से मतलब थोड़ा लार जैसा कुछ गिरा हुआ था और पीठ में चोट था, तो हम उसको तो उठाए देखिए वो नर्वस था, उठ नहीं पा रहा था, हम लोग बेहोश कंडीशन में था, फिर हम मेरा छोटा भाई उसको उठाकर जैसे तैसे घर पास लाए, भाई को फोन किया, वो गाड़ी भेजा, गाड़ी आया, फ्रेंड की गाड़ी आया, गाड़ी में उसको लेकर के हम लोग श्री हॉस्पिटल ले गए, श्री हॉस्पिटल ले गए, वहाँ चेकअप वो किया तो वहाँ भी बोल दिया नहीं है पूरा क्रिटिकल कंडीशन में, नाक बराबर कुछ चांस है, तो हम लोग डर गए, फिर हम लोग वहाँ से एलम भेज दिया, हम लोग एम्बुलेंस द्वारा एलम लेकर के यहाँ पे आ गए, यहाँ पर आए डॉक्टर से इमरजेंसी वार्ड में चेकअप कराए तो बोला नहीं तो डेट कर गया। अभी ये थाना में जानकारी है सर? हाँ सर, वो उस समय तो जब देखे ऐसा कंडीशन हो गया, जब मिला जब श्री हॉस्पिटल ले गए तो उसके बाद हम लोग थाना में जानकारी दे दी। आप लोग सिर पे चोट है, अब लगता है कोई मारा हो रहा है, ऐसा चोट लग रहा है सर, अब पीठ में भी चोट है, घाव जैसा, बड़ा घाव जैसा पीठ में है। जी सर, गहरा ना सर। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग नियामतपुर विष्णु बिहार में रहते हैं। ये जो घटना हुआ आप लोग घर से कितनी दूरी में हुआ? जो घटना हुआ मेरा घर से 200-250 मीटर दूरी पर होगा। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम साहू। आपका
वो जो डेट किया उसका नाम बिट्टू साहब था। वो घर पर थोड़ा कपड़ा वड़ा कपड़े से तैयारी वगैरह करते रहे। कितने एज होगा उसका? कितना होगा? 23-22 समथिंग में होगा। सर कहाँ पर पढ़ते? बस कंप्यूटर क्लास घर में तैयारी वारी करता रहा। घर में तैयारी वारी करता रहा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया रहा तो घर में। आपका आप बड़े भाई होंगे? हम उसका बड़े भाई हैं। उसको के बजे तक आप लोग को मिला जो नहीं है घर में? तो यहाँ से मतलब यहाँ से 2 बजे निकला, 2 बजे निकला तो फिर देखा आधा एक घंटा तक नहीं आया। तो फिर हम लोग फोन करना स्टार्ट किया खाना खाने के लिए, तो रिंग हो रहा था लेकिन फोन उठा नहीं रहा था। फिर हाँ, तो फिर हम लोग उसका दोस्त लोग जितना है सबको फोन किए तो बोला यहाँ पे नहीं आया है। तो उसका छोटा भाई 2-3 बार इधर खोजने के लिए गया उसको ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिला। बाद में मिला है? हाँ, तो जब देखा कि सब जगह नहीं मिला है, जब उस लोग को अंदर से कुछ लगने लगा तो फिर गया, फिर जंगल के बीचों बीच में खोजना स्टार्ट किया। अच्छा, तो बीचों बीच में मिला है। तो देखे उसका मतलब खून निकल रहा था माथा से, ब्लड व्लड, तो फिर हॉस्पिटल लेके गया। क्या लग रहा है उसको मार के गिरा दिया गया? हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो वो किसी से झगड़ा वगड़ा करता नहीं था, एकदम शांत स्वभाव का लड़का था। तब क्या लग रहा है उसको मर्डर कर दिया है? नहीं, ऐसे तो हम लोग तो किसी पे शक तो ऐसा जंगल में घिरा हुआ था, हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिट्टू का आप कौन है? हम बिट्टू का आंटी है, माँ, हम दोनों गोतनी है, हम छोटी है, दीदी बड़ी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंधु। तब ये कुछ खबर मिला जो बिट्टू को जिंदा है या कुछ कुछ मिला है खबर? हाँ, तो हॉस्पिटल से फोन आया। रंजीत सिंह, जसवंत सिंह व रंजीत सिंह की क्यादत में आज कई लोग आसनसोल म्युनिसिपल कारपोरेशन पहुंचे और मेयर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कैमरे पर इन्होंने बताया कि अतुल सिंह के ग्रुप के जरिए ऑब्जेक्शन लगाया गया कि हमारे मैदान में जो बाथरूम बने हैं निर्मल बंगला के तहत, उनके रेनोवेशन होने की बात थी और यहाँ से कुछ अधिकारी देखने भी गए थे, पर इन लोगों ने आधा दी के मरम्मत नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से आज मेयर से मुलाकात की गई, क्योंकि जो फंड मिला है उससे अगर काम नहीं हुआ तो फंड जाया हो जाएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिनोवेशन का काम हो। वो रोकने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग रोकने नहीं दे रहे, बस और क्या बात है, यही बात है। वो कोशिश कर रहे हैं इसको रोका जाए, हम बोल रहे हैं जो काम है उसको करने दो, होना चाहिए, मेन बात तो यही है, और तो कोई बात खास है ही नहीं। वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमने रोकने नहीं दे रहे बस। आज मेयर साहब इसलिए मेयर साहब का इसीलिए आए हैं कि इसके काम को होने दीजिए, जो पैसा आया है उसको कहीं लग जाए, काम हो जाए। आपका नाम बताओ? जसवंत सिंह। ये हमारे प्रधान, न्यूली इलेक्टेड प्रधान जसवंत सिंह जी। आज हम लोग मेयर साहब के पास में आए थे कि हमें पता चला कि कल एक ग्रुप द्वारा, अतुल सिंह के ग्रुप द्वारा कल यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन लगाया गया कि हमारे जो मैदान में बाथरूम वगैरह बने हैं निर्मल बंगला स्वच्छ बंगला के तहत, उनका रिनोवेशन होने का बात था। तो यहाँ से कुछ अधिकारी गए थे उसका निरीक्षण करने के लिए, तो वो इन्होंने बाधा दी है कि वो रिनोवेशन नहीं होना चाहिए, वो मरम्मत नहीं होनी चाहिए। तो हम आज मेयर साहब के पास इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो फंड हम लोग को मिला है इसको रिनोवेशन करने के लिए, बाथरूम वगैरह को नया बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, तो ये अगर जाया चला जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसका रिनोवेशन करें। हमारा इलेक्शन हो चुका है, हमारे नए प्रधान सरदार जसवंत सिंह जी हैं, सेक्रेटरी रंजीत सिंह जी हैं और ये कमेटी चल रही है। कुछ वो लोग कानूनी अड़चन दे के, बाधा दे करके हम लोग को परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रगति का काम जो है, प्रोग्रेसिव का काम रुकना नहीं चाहिए। आप हम लोग का जो बाथरूम्स वगैरह है उसको बढ़िया से मरम्मत कर दीजिए। स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी? स्कूली बच्चों को तो दिक्कत हो ही रही है, तो उसे उसके लिए भी हम लोग मेयर साहब को बोलेंगे और भी बोलते हैं कि स्कूली बच्चों को परेशान किया जा रहा है, इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत खड़ा हो, तो बहुत किस्म की समस्याएं हैं। हमारी कमेटी बन गई है, हमारे प्रधान साहब, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ में हैं, हम मिलकर के इन सब समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम चरणजीत सिंह। आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कॉर्पेट, वुडन फ्लोर कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए
ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS EduSkill प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हां, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेलीप्राइम, GST, इनकम टैक्स, PTAX, TDS, MS Office, SAFICO जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाचीर, ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विथ फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HP IP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जमीन खरीदना हो या फिर बेचना हो कॉमर्शियल प्लॉट, घर की करनी हो बिक्री या फिर खरीदना हो कोई टॉप क्लास रेसिडेंशियल प्लॉट, इन सभी कामों के लिए कॉन्टेक्ट करें 1&only 99 Assets को। इसके अलावा स्पॉट बुकिंग पर आप पा सकते हैं एक्साइटिंग गिफ्ट्स, तो फटाफट नोट करें 99 Assets का एड्रेस, हटन रोड मोड़, आसनसोल। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। क्या आप है एडवेंचरस, तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल। फर्स्ट टाइम इन आसनसोल, फुल्ली डिजिटली कोचिंग सेंटर, GR स्कूल, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद, GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJEE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर
कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 days क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराए। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। सबसे पहले आवाम को ये बात बताना हम लोग ज़रूरी समझ रहे हैं कि रमज़ान के वजह से हम लोग का काम रुकी हुई थी। हम लोगों ने खुद कहा था कि ईद के 2-3 दिन के बाद से हम लोग का ये ब्रिज का काम शुरू हो जाएगी। और पानी का जो प्रॉब्लम बता रहे, तो पानी ही के प्रॉब्लम की वजह से आज हम लोग यहाँ कॉरपोरेशन में बैठे हैं। जो कॉरपोरेशन का लाइन गया है आपका, वो किस तरह से उस लाइन को अलग से हटाई जाए ताकि फिर लोगों को पानी के लिए दिक्कत और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, उस चीज़ को, मसला को लेकर आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आज PWD के लोग भी आए थे, रेल का जो पाइपलाइन है उसको किस तरह से हटाया जाए, दोनों को 1-2 दिन के अंदर हम लोग कॉरपोरेशन और PWD जो के लोग जो हैं, रेल से भी बात की है हम लोग को, वहाँ से भी हम लोग अनुमति मिल गया है। तो ये दोनों पाइपलाइन को 1-2 दिन में हटा, मतलब अलग कर दी जाएगी, ताकि हम लोग का जहन में, मतलब हर हाल में ये जहन में है कि आवाम को जो है पानी का तकलीफ़ ना हो, रास्ते में चलने की तकलीफ़ ना हो, किसी किस्म की दिक्कत और दुश्वारियों का सामना ना हो, इसके लिए ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब अपना नाम फनसबी आलिया, वार्ड नंबर 24। আমরা ব্রিজে কাজটা করছি, রেলের যে জল লাইন, রেলের জল লাইনের আমরা NOC পেয়ে গেছি, সেটাও শিফটিং করা হবে। নগর নিগম থেকে যেটা আছে সেটা শিফটিং করলে আমরা যেটা ভাবছি যে লোকের অসুবিধা না, যে পরিমাণে জল পাচ্ছে সেই পরিমাণে জলটা পায়, তার কারণে এত চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। মানুষকে জল দেওয়া হবে, মানুষ জল পাবে, কোনো অসুবিধা হবে নাই। নগর নিগমে যে কাজ জল দেওয়া, জলটা ঠিক, আর মাননীয় মন্ত্রী যে ব্রিজে উদ্ঘাটন করে গেছেন, সূচনা করে গেছেন, আসানসোলে একটা নতুন ইতিহাস রেল পারে মানুষকে, যে ব্রিটিশ আমলে হয়েছিল, তারপরে মমতা ব্যানার্জী রাজ্যে সময় মাননীয় মন্ত্রী মোলায় ঘটক হাত দিয়ে এটা নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। তার জন্য এবার শুনুন, এটা আপনি যেটা বিরোধীরা কেউ কিছু বলতে পারে, আমরা নিজে জানি, আমি যদি একটা পুরনো বাবা বা আমার ঠাকুর দাদা যারা বাড়ি করেছে সেই বাড়িটা আমি যদি নতুন করে একদম করতে যাই, তাহলে আমাকে যতদিন বাড়ি করব আমি, মাস, দু মাস, এক বছর, যত সময় লাগবে বাড়ি কমপ্লিট হয়ে, সে আমাকে কোনো অন্য ভালো বাড়িতে থাকতে হবে, একটু কষ্ট করতে হবে। সেই হিসাবে ব্রিটিশ আমলে যে ব্রিজটা তৈরি হয়ে, ছোট ব্রিজ, রেলপারের ডেভেলপমেন্ট ওইখানে আটকে আছে, আমাদের এলাকা ভ্যালুয়েশনটা আটকে আছে, তাহলে ওই ব্রিজটা ভেঙে নতুন ব্রিজ করতে গেলে আমাদের এলাকা উন্নয়নের জন্যে, এলাকার পরিমাণ, মানে ভ্যালুয়েশন বাড়াবে, তার জন্য আমাকে 5-6 মাস, 1 বছর একটু কষ্ট করতেই হবে। কদিন জলের সমস্যা হতে পারে? যদি কোনো সমস্যা নেই, 2-1 দিন শিফটিং করার সময় একটু সমস্যা হবে, বাকি দেখুন জলটা একটা গরমকাল, জলে এরকম সমস্যা নেই। আপনি দেখছেন পুকুর শুকে যাচ্ছে, কুয়া শুকে যাচ্ছে, সেই দামোদরের নদী জলটা পরিমাণটা কমে গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে DBC ঠিকভাবে জল ছাড়ছে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পশ্চিমবাংলাকে বঞ্চিত করা তো একটা দিক থেকে করছে না, চারদিক থেকেই করছে, DBC এর থেকে যে পারমানেন্ট জল ছাড়া সেই জলটা ছাড়ছে, তার জন্য একটু গরমে অসুবিধা হচ্ছে। আপনি রেলপারবাসীকে কী বলবেন? রেলপারবাসীকে
আমার যে বলার যে আপনার দেখুন উন্নয়নে পাশে থাকুন, দিদি যেমন আপনার জন্য উন্নয়ন করছে, উন্নয়ন আপনার নিজে বললাম তো নিজে বাড়ি করতে আমরা যেমন কষ্ট করি, তেমন যে উন্নয়নে বৃষ্টি হচ্ছে সেই উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে কয়েক মাস কষ্ট করতে হবে। সবাই একটু কষ্ট করুন, পাশে থাকুন, সাহায্য দিন করুন ডেভেলপমেন্টে, তাহলে দেখুন আপনার ছেলে মেয়ে আপনার এলাকার আপনার ঘরের সব ভ্যালুয়েশন বাড়বে, উন্নয়ন হবে। এখন যেভাবে নিয়োগ দুর্নীতিতে একের পর এক বড় বড় তাবড় তাবড় নেতাদের নাম উঠে এসেছিল, শিক্ষামন্ত্রী জেলে রয়েছেন, এবং তারপরে আস্তে আস্তে মাকড়সার জালের মতন সারা বাংলা জুড়ে একদম বিস্তৃত করে ফেলেছে নিয়োগ দুর্নীতির এই তোলাবাজি, এবং কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, একের পর এক ধরা পড়ছে কুন্তল, শান্তনু, অয়নশীল, একের পর এক মানিক ভট্টাচার্য, একের পর এক লোক ধরা পড়ছে, এবং সেইভাবে পুরসভাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং পুরসভার যে চাকরি, আমাদের মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তিনিও বলেছেন যে পুরসভার চাকরি ও প্রচুর টাকার বিনিময়ে হয়েছে, এবং অনেক নথিও আছে এই বিষয়ে। সিবিআই সিবিআইয়ের মতন তদন্ত করুক, আমরা চাই যে যে আসল যে বড় মাথা আছে, প্রভাবশালী মাথা, তার তাকে মানে তার নামটা আসুক সামনে, এবং আসল সত্যটা মানে জনগণ বাংলার জনতা জানতে চায়। এবারে কাল তাকে জেলে যেতে হবেই, সে যতই নানা রকমের কথা বলে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করুক না কেন, তারা পুরো পার্টিটা ভরে গেছে, পুরো বিধায়করা, যেমন এই তাপসবাবু আছেন, আরও অনেকে আছেন, পুরো এরা যা তা করেছে এতদিন ধরে, এবং মানুষের কাছে একটা মুখোশ নিয়েছিল, মুখোশ তাদের খুলে গেছে, সিবিআই মুখোশ খুলে দিয়েছে, এবং এদের জেলে জেল যাত্রা শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুনেছি আমরা ইতিহাসে পড়েছি যে রাজারা মাঝে মাঝে ভ্রমণে বেরোতো, বিলাস ভ্রমণ বলতো, বিনোদনের জন্য ভ্রমণে বেরোতো, আমরা শুনেছি সে প্রচুর সৈন্যকে নিয়ে যেত, ঘোড়া নিয়ে যেত, তাঁবু খাটিয়ে থাকতো, এবং খুব শীতকালে তারা বেরোতো, এরকম আমরা শুনেছি, গান বাজনা চলতো, সেরকমভাবে চলতো, ফুর্তি চলতো শুনেছি। ঠিক এখন আমাদের ইতিহাস তো পাল্টে গেছে, রাজা দেখতে পাবো না, কিন্তু এই যে তৃণমূলের যে যাত্রা কর্মসূচি শুরু হয়েছে, এখানে আমরা কিছুটা সেইটুকু আমরা স্বাদ পাবো, আমার মনে হচ্ছে সেইটুকু আমরা ইতিহাসে যা দেখেছি সেইটুকু দেখতে পাবো, যে কীভাবে বিনোদন চলে, 177টা মনে হয় ফুল্লি এসি তাঁবু খাটানো হচ্ছে, সেখানে 30-40 জন করে থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা। আমি তো দেখে ছবি দেখে ভাবছিলাম মনে হয় রাজস্থানে কোনো মরুভূমিতে বোধ হয় কোনো রিসর্ট খোলা হয়েছে, যে সেখানে মানে এবং সেটা রিসর্টগুলো মুভেবল রিসর্ট, মানে কোনো সময় সেটা কুচবিহারে, কোনো সময় সেটা জলপাইগুড়ি, কোনো সময় সেটা দার্জিলিং, কোনো সময় মালদা, কোনো সময় সেই রিসর্ট আবার মানে মুভেবল রিসর্ট ঘুরতে ঘুরতে সারা ঘুরবে, মানে এগুলো কার টাকায়, এগুলো তো জনতার টাকাতেই হচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এবং গরু চোর, কয়লা চোর, এই যে নিয়োগ দুর্নীতিতে এরা এত কোটি কোটি টাকা সব তুলেছে, সেই টাকাগুলো এবার খরচা হচ্ছে। তৃণমূলের সব প্রার্থী তো চোর ডাকাত তোলাবাজ, এই জন্য তো যাত্রা করতে বেরোনো, পঞ্চায়েত ভোটকে পিছিয়ে দেওয়া, কিন্তু এখন পঞ্চায়েত ভোটকে দেখে তারা ভয় পাচ্ছে যে কোনো প্রার্থী, স্বচ্ছ প্রার্থী তৃণমূলে নেই, সেই জন্য খুঁজতে বেরিয়েছে, সেই প্রার্থীদেরকে প্রার্থীদের খোঁজে বেরিয়েছে, এবং কোনো জনতার প্রার্থী আর মমতার প্রার্থী যাই হোক না কেন, ওদের প্রার্থী সেই চোর চামার ডাকাত তোলাবাজ সিন্ডিকেটবাজি তৃণমূলের প্রার্থী হবে, এবং মানুষ রেডি হয়ে আছে তাদেরকে ভোট দেওয়ার, মানে তাদের এগেনস্টে ভোট দেওয়ার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য। এই জন্যই তড়িঘড়ি করে যাত্রা এবং পঞ্চায়েত ভোটকে পেছনোর একটা মহলে কি সব নিয়োগেই দুর্নীতি, একদম তৃণমূল এই সিপিএম 34 বছরে যে দুর্নীতি করেছে সেই রাস্তাই ফলো করেছে তৃণমূল, যাহাই সিপিএম তাহাই তৃণমূল, সিপিমূল হয়ে গেছে এরা, এবং কেউ বাদ যাচ্ছে না, এবং একের পর এক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি জীবনকৃষ্ণ সাহা বা কি তাপস বিধায়ক, কি কুন্তল, কি সাংসদরা যারা রয়েছেন তারা একে একে জড়িয়ে পড়ছেন, এবং পুরো দলটাই একদম দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এরা মানুষের নামে, সেবার নামে জনগণের থেকে টাকা লুট করেছে, এবং আমরা জানি যে ভগবান বলে কিছু আছে, মানুষের একটা হায় লেগে গেছে তৃণমূল সরকারের প্রতি, যেভাবে তৃতীয়বারের জন্য মানুষ মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় বসিয়েছিল তৃণমূলকে, মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে লাস্ট এক বছরে, মানুষের এই বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে গেছে যে তৃণমূল অ্যাকচুয়ালি চোর ডাকাতের দল, তৃণমূল অ্যাকচুয়ালি দুর্নীতির
বৈষ্ণবদের রাজার দল পুরো বিষয়টাই তো মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমরা দীর্ঘ ইতিহাসে যদি দেখি আমরা তৃণমূলের এরকম অনেক ঘটনা আছে। আমরাও গেছি, মালদায় গেছি, জলপাইগুড়ি গেছি, কাঁথি গেছি, বিভিন্ন জায়গায় গেছি, বীরভূমে গেছি, এবং সেখানে মানে তাকে ধর্ষণ করে মৃতদেহকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে দেখা গেছে মৃতদেহকে, একজন কিশোরী মৃতদেহকে টেনে হিজড়ে পুলিশ যে নির্মমভাবে নিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্যটাই শুধু মনে হয় বাকি ছিল আমাদের দেখার। মানে এই দেশের কোথাও এরকম নির্মম দৃশ্য দেখিনি, যে আজকে যে দৃশ্য আমরা সেদিনকে দেখেছি, যে মৃত একজন কিশোরীর ডেড বডির ওপরেও কিন্তু সম্মান বলে কিছু নেই। যে 500 টাকা দিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে যে সম্মান তাদের মেয়েদের কিনে নিয়েছে, বা মেয়েরা যেই সম্মান তাদের কাছে দিয়ে দিয়েছে, যে ধর্ষণের পরেও তার দোষী শাস্তি পাচ্ছে না, এবং মরে যাওয়ার পরেও তার মৃতদেহকে এইভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনে তো হচ্ছে মাঝে মাঝে যে এই পুলিশ যারা নিয়ে গেছেন তাদের বাড়িতে কোনো মা, কোনো বোন বা তাদের নিজস্ব কোনো মেয়ে নেই। আজকে তাদের পরিবারের সঙ্গে যদি এই ধরনের জিনিস ঘটতো তাহলে কী হতো? এবং ন্যাশনাল শিশু সুরক্ষা কমিশনের যে চেয়ারপারসন, যিনি হেড এসছেন, এবং তাকে যেভাবে আটকানো হয়েছে, এবং এতদিন পরে তাদেরকে যাকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে পুলিশদেরকে, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে এভিডেন্সকে প্রথমে সাফ করে দেওয়া হয়েছে, এভিডেন্সকে পুরো ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়ার পর এখন সাসপেন্ড করে দিচ্ছে, যাতে কোনো রকম কিচ্ছু যেন না বেরিয়ে আসে। একটাই যেটা মনে হয় যে এত রাজ্যের ইগো, ন্যাশনাল কমিশনের সাথে রাজ্য কমিশনের এত ইগো, মানে আসল যে জায়গাটা ছিল যে এই শিশুকে যারা মানে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে তাদের শাস্তির তার থেকে কিন্তু এখন। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। चैनल को लाइक करना, हमारे लिंक को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।